वेलकम बैक टू द चैनल जब मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करती थी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि कई बार तो पांच में से पांच क्वेश्चन भी ठीक हो जाते थे बट देन अगले ही पेपर में उन्हीं पांच क्वेश्चन में से जीरो मार्क्स भी आते थे तो रीडिंग कॉम्प्रीशन के टॉपिक के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन करना ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस बहुत जरूरी होता है यानी कि ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई भी पैसेज के आप पांच क्वेश्चन सॉल्व करो तो कम से कम चार क्वेश्चन तो ठीक हो तो आज मैं आपको उस लेवल की एक्यूरेसी बनाने की तीन बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद एन एग्जांपल। इन तीनों ट्रिक्स को समझाने के लिए मैं एक बुक का यूज करूंगी जिसका नाम है ओसवाल बुक्स उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है वो लोग ऐसी बहुत सारी बुक्स बनाते हैं जिसमें कैट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स होते हैं जिस तरह उस वाल बुक्स की इस बुक में ईयर के पास पेपर्स है इसी तरह उनकी एक टेन ईयर की बुक भी आती है और ट्वेंटी भी आती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी बुक रेफर करना चाहते हो आई विल लिंक इट इन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन आप उसे चेक कर सकते हो अब मैं इस बुक में कैट ट्वेंटी के शिफ्ट टू के पेपर को पिक करूंगी और उसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आया था ऑन रिन्यूएबल एनर्जी उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन का जो लास्ट पैराग्राफ

का मतलब कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में हर वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव और वर्ब्स तो जो बाकी के वर्ड्स होते हैं ना जैसे इज आर एम द ऑन ऑफ उनको आप स्किप भी कर सकते हो अब स्किप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको पढ़ते नहीं हो बट बेसिकली आप इतनी जल्दी उनको पढ़ते हो कि उन पे फोकस नहीं जाता मैंने जिस तरह से इस पैराग्राफ को पढ़ा मुझे मतलब फिर भी सेम ही समझ में आया जितना मुझे इज एम और द को यूज करके समझ में आता लेकिन स्किमिंग को यूज करके आप किसी भी पैराग्राफ को बहुत जल्दी पढ़ सकते हो दूसरी टेक्निक को बोलते हैं पैराफ्रेजिंग अब रीडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पे जाते हो आपको भूल जाता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को कौन से पैराग्राफ में मेंशन किया गया था क्योंकि एक पैसेज में सात आठ पैराग्राफ होते हैं इसको इजिली करने का यह तरीका होता है कि उस पैराग्राफ में जो भी वर्ड ज्यादा यूज किए गए हैं आप उन्हें नोट कर लो जैसे इसके लिए मैंने वर्ड लिखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस रिटर्न और इन्वेस्टर्स इसको कंफर्म करने के लिए मैं इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक वर्ड क्लाउड जेनरेटर में कॉपी पेस्ट करूंगी जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्या मैंने इसको करेक्टली पैराफ्रेज किया है या नहीं तो काफी हद तक मैंने सिमिलर वर्ड्स लिखे हैं जिससे मुझे याद रह पाए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है सो so ये है दूसरी टेक्निक विच इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग जिससे आपका टाइम सेव होता है क्योंकि आप जल्दी से उस पैराग्राफ पे जाके आंसर को ढूंढ सकते हो तीसरी टेक्निक को बोलते है, है कि के के हैं इलिमिनेशन विद रीजनिंग हम सही आंसर ढूंढने की दौड़ में लगे रहते हैं लेकिन हमने गलत आंसर को इलिमिनेट क्यों किया वो ढूंढना भी बहुत जरूरी होता है जैसे मैं ये क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ जो की इस लास्ट पैराग्राफ के साथ डील करता है जिसमें उन्होंने पूछा है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है तो इसमें जो चारों ऑप्शंस गिवन है इसे मैं टॉप से स्टार्ट करूंगी और एक एक करके इन्हें इलिमिनेट करने के रीजन ढूंढूंगी जैसे अगर मैं सबसे पहला ऑप्शन पढ़ू तो क्लियरली ये पॉइंट तो कहीं पे मैं नहीं है अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को रीड करूँ तो ये बात इस पैसेज में तो है, सो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का मतलब यही हो लेकिन इसे अभी के लिए मैं होल्ड पे रखूंगी तीसरे ऑप्शन में ऑफ द पॉइंट जो इस पैसेज में, है, लेकिन है, है इस में है। अब अगर आप लास्ट ऑप्शन को पढ़ते हो तो इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ विच शुडेंट बी द केस क्योंकि ये चीज पैराग्राफ में कहीं मैं नहीं की गई है so, अगर हम इस बुक में इसका सोल्यूशन चेक करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑप्शन थ्री का तो एग्जैक्ट उल्टा दिया हुआ है इस बुक में विच इज एग्जैक्टली वॉट वी ऑल्सो मेंशन लेकिन ऑप्शन वन और फोर के भी ऑपोजिट्स गिवन है अब ऑप्शन वन केस में मैंने बोला था कि ये तो पैसेज के अंदर ही नहीं है और ऑप्शन फोर केस में वजह से चेक करते हो तो उसमें आंसर तो बिल्कुल ठीक था विच वॉज ऑप्शन टू लेकिन माई रीजन ऑफ इलिमिनेटिंग वन एंड फोर उतना सॉलिड नहीं था जब तक मेरे रीजन इस बुक के रीजन के साथ मैच नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी तुक्के के कारण आंसर ठीक करके आऊं बट उससे मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं पेपर में फुल मार्क्स ला पाऊंगी या नहीं सो so अब जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करो हमेशा ऑप्शंस के आगे रीजन नोट करो ताकि ये प्रैक्टिस बन जाए और धीरे-धीरे आप इसे मेंटली भी करने लगोगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ओसवाल बुक्स की ये बुक आती है 15 इयर्स सॉल्वेड पेपर्स इसको भी ट्राई कर सकते हो इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर कैट एग्जाम जिसको यूज करके आप कैट के लेवल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हो आई ट्रूली होप दैट दिस वीडियो हेल्प यू अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें कॉमेंट्स में एड कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज